चैनल में आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बैनर पे आपका लिखा हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस वन वॉइस और मजलिस व्हाट्सएप ग्रुप। हम जानना चाहते हैं कि आपने तमाम पत्रकारों को मधु क्यों किया, बुलाया और आपका मकसद क्या है और आपका संदेश क्या है। वन वॉइस मजलिस एक व्हाट्सएप ग्रुप है। मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप के तमाम मेम्बरान की जानिब से आप तमाम मीडिया पर्सन्स का यहाँ खैर मकदम करता हूँ। आप सभी का यहाँ इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि वन वॉइस मजलिस ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये 2014 से हम लोग औरंगाबाद में एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं। ये ग्रुप में औरंगाबाद शहर के जाने माने प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, हर शोबे का, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग ये ग्रुप का हिस्सा है। मैं आपको ये बता दूं कि वन वॉइस मजलिस ये व्हाट्सएप ग्रुप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। उमूमन ये देखा जाता है कि व्हाट्सएप के ऊपर किसी भी तरह की न्यूज़ को वायरल करने का इस्तेमाल किया जाता है, एंटरटेनमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप है जो सोशल कॉज के लिए काम करता है, जो शहर में लोगों को जोड़ने के लिए काम करता है। कोई अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी को मदद की ज़रूरत महसूस होती है तो इसके मेंबर्स आपस में कंट्रीब्यूट करके वो मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। 4 साल पहले पैठन गेट के आगे एक लड़के की डेली नीड्स की दुकान थी जो कि शॉर्ट सर्किट की वजह से उस दुकान में आग लग गई थी। इत्तेफाक से वो लड़का हमारे ही ग्रुप का एक हिस्सा था, तो हम लोगों ने एक आपस में कंट्रीब्यूट करके एक इंसानियत के नाते मैंने तमाम लोगों से अपील की थी कि हम लोगों को उस लड़के की मदद करना चाहिए। तो तकरीबन 86,000 रुपये हम लोगों ने जमा किए थे और हमने वो बच्चे की दुकान को फिर से खड़े करने की कोशिश की। इसमें हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते, हर कोई अपनी मर्ज़ी से वॉलेंट्रीली अपनी इस्तेतात के हिसाब से, कोई 500 रुपये डोनेट करता है, कोई 1,000 रुपये डोनेट करता है, कोई 5,000 डोनेट करता है, जिसको जितना करना है वो करते हैं और हमारे पास जिसका जितना डोनेशन आता है हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में उसके नाम के आगे वो अमाउंट मेंशन करते हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है। इससे पहले कुछ दिन पहले भीड़ के आसपास एक ट्रक ड्राइवर का इंतकाल हो गया था तेलंगाना, जो कि तेलंगाना का था। दो भाई उस ट्रक पे थे, पंक्चर बना रहे थे, दूसरा भाई स्टेपनी पे खड़े रह के वो टायर चेंज कर रहा था और पीछे से आके एक दूसरी ट्रक ने उसको डैश दे दी थी। तो वो दोनों भाई में से एक का ऑन द स्पॉट इंतकाल हो गया और दूसरे भाई का इतना क्रिटिकल सिचुएशन थी, उसका पूरा एक हाथ, डॉक्टर्स ने कहा था कि ये बेकार होने वाला है, यहाँ से आपको हाथ काट देना पड़ेगा। मैंने ग्रुप में अपील की और ये तमाम जो लोग आप आज स्टेज पे बैठे हुए देख रहे हैं ये तमाम उस व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं। तकरीबन हम लोगों ने 3.5-4 लाख रुपए जमा किए थे। उस शख्स की प्लास्टिक सर्जरी की जिम्मेदारी की हमने ली थी, उस शख्स के ऑपरेशन की जिम्मेदारी हमने ली थी। हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में औरंगाबाद शहर के जाने माने डॉक्टर्स इस ग्रुप का हिस्सा है। डॉक्टर नुसरत फारूकी साहब है, डॉक्टर शोएब हाशमी साहब है, डॉक्टर इश्तियाक अंसारी साहब है, डॉक्टर सरताज पठान साहब है, डॉक्टर अफजल नूर खान साहब है, डॉक्टर दिलशाद जैदी है, डॉक्टर अल्ताफ़ सिद्दीकी है। तो हर शोबे के, हर स्ट्रीम के, हर फील्ड के एक्सपर्ट्स इस ग्रुप का हिस्सा है। मुझे फ़ख्र है कि ये तमाम लोग हमारे ग्रुप का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई गेन लेने के लिए या किसी को अपनी खुद की पब्लिसिटी के लिए हम लोग ये करते हैं, ये इस तरह की मदद करने की एक्टिविटीज़ हम आए दिन करते रहते हैं। पेंडेमिक के दौरान हम लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट करके कम्युनिटी किचन चलाया। तकरीबन 1.5 महीना जो है तो हमारे ग्रुप की तरफ से कम्युनिटी किचन चला कोल्ठानवाड़ी रोड पे। तो हम लोग पूरी कोशिश ये करते हैं कि हमारी जानिब से हम ज़रूरतमंद की मदद करें, हम मुस्तहिक की मदद करें। हम लोग एजुकेशन के लिए अगर हमारे पास कोई केस आता है,
अगर वो वालदैन अपने बच्चों की फ़ीस भरने की उनकी इस्तेदात नहीं होती है, तो हम लोग आपस ही में कंट्रीब्यूट करके कोशिश ये करते हैं कि उनकी मदद हम करें। हमारा इंटेंशन जो है तो इसका कोई पॉलिटिकल गेन लेना या इसका कोई फ़ायदा लेना ऐसा ख़तई नहीं होता है। भले ही हमारे ग्रुप में काफ़ी पॉलिटिकल लोग हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, एमपी है, तमाम लोग हैं, शहर के बड़े बड़े लोग ये ग्रुप में हैं, लेकिन हर एक की नीयत ये रहती है कि बेलॉस तरीके से कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए हम अगर कुछ कर पाए तो हर कोई एक आवाज़ पे कंट्रीब्यूट करता है। और गुज़िश्ता रोज़ कुछ दिन पहले औरंगाबाद में किराड़पुरे में जो वाक़िया हुआ, उसमें एक मुनीर साहब का इंतकाल हुआ। हमने हमारे ग्रुप में किराड़पुरे के मुतासरीन के लिए अपील की थी मैंने कि हम लोगों को आपस में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए और हमारी तरफ से हम क्या मदद कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 लाख रुपए हमारे पास जमा हुए हैं। उसमें फिर हम लोगों ने आपस में ये मशवरा किया कि उन 2.5 लाख रुपए को हम किस तरह से किसको देना चाहिए। तो मशवरे में ये तय हुआ कि 1.5 लाख रुपए मरहूम मुनीर साहब की फैमिली को हम इमदाद की तौर पर देने वाले हैं। उसी असना में, उसी दौरान एक नौजवान लड़के का एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था, उस लड़के के भी घर में हम 50,000 रुपये की इमदाद पहुंचाने का हमारा इरादा है। उसके अलावा जो लोग फील्ड पे काम कर रहे हैं, हमारे असरार साहब हैं, जागीरदार है, शानवाज भाई है, नासिर भाई है, ये लोगों को मालूम है पिछले 10 दिनों में, पिछले 15 दिनों में शहर के हालात क्या है, किस तरह से जो इस दंगे के मुतासरीन हैं उन लोगों के घर वालों पर क्या गुजर रही है। ये लोग अबुल हसन हाशमी साहब ने कुछ किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, राशन की किट्स है, ईद की किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इन लोगों को जो फीडबैक्स वहाँ से मिल रहे हैं, लोगों का लिटरली ये कहना है कि हम चटनी मिर्ची खा के हमारे जो है तो गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन जो हमारा घर का कमाने वाला बच्चा था वो आज जेल में चले गया, तो उसकी हम आज हमारे घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा, हम लोगों ने ये तय किया कि जो 50,000 की रकम हमारे पास बची है, उन 50,000 रुपयों में हम मैक्सिमम लोगों के घर के किराए, एक एक महीने का किराया हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। बस फ़िलहाल इस एक्टिविटी के बारे में मैं इतनी ही आप लोगों को ब्रीफिंग करना चाह रहा था। मेरी औरंगाबाद शहर के तमाम पॉलिटिकल लोगों से ये अदबन गुजारिश है, दस्तबस्ता गुजारिश है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किराड़पुरे के इशू को पॉलिटिसाइज मत कीजिए, इस मुद्दे के ऊपर राजनीति मत करिए। अगर हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके अपनी हक हलाल की कमाई में से कुछ हिस्सा अगर उन लोगों को अपने इंसानियत के नाते, उन्हें अपने अपना भाई समझकर अगर हम देना चाह रहे हैं, तो इसे खुदा के लिए चंदे का नाम मत दीजिए। हम लोग चंदा वसूल करके या किसी को जलील नहीं करना चाह रहे। एक हाथ से देना है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना है, ये हमारा प्रिंसिपल आज तक के रहा है। लेकिन इस तरह की अगर एक्टिविटीज़ होगी, इस तरह से अगर उंगलियां उठाई जाएगी, तो आज मजबूरन हमें आप लोगों को यहाँ बुलाना पड़ा और ये ब्रीफिंग करना पड़ा कि इस तरह की जो कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने आपस में किया है, उस कंट्रीब्यूशन का हम लोग किस तरह से लोगों तक पहुँचाने वाले हैं। इंसिडेंट्स कुछ का जिक्र मैंने आप लोगों के सामने किया कि हमने वन वॉइस की तरफ से क्या क्या एक्टिविटीज़ की है, किस तरह से हम लोगों की मदद करते हैं। हर बार हम जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो भी कलेक्शन होता है, कोशिश ये करते हैं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्योंकि 350 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और चंद लोग जाके हम वहाँ देते हैं, तो वो अमाउंट सही हकदार तक, मुस्तहक तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, खुदा ना खास्ता इस तरह की अगर किसी के दिल में, दिमाग में वो बदगुमानी भी अगर आती है, तो ये तमाम चीज़ें हम चेक के ज़रिए, इससे पहले भी हमने तमाम ट्रांजेक्शन्स चेक के ज़रिए किए हैं। ये जो चेक है, ये मरहूम मुनीर साहब के फर्जंद यहाँ मौजूद है, उनके भाई है नईमुद्दीन मोइनुद्दीन शेख, जिन्हें हम 1.5 लाख रुपए का आज चेक देने वाले हैं। इसके अलावा जो साहब के पास हम 50,000 रुपए देने वाले हैं, उनका भी यहाँ पे आप चेक देख सकते हैं। और जो दूसरे मुतासरीन हैं जिनको हम लोग रेंट देने वाले हैं, उन लोगों के भी हम मकान मालिकान को चेक के ज़रिए ही पूरी पेमेंट देंगे इंशाल्लाह। मैं गुजारिश करूँगा, यहाँ पर नईम साहब यहाँ मौजूद है, मरहूम मुनीर साहब के भाई है और उनके फर्जंद यहाँ आए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बराए मेहरबानी यहाँ तशरीफ़ लाएं। और ये जो 1.5 लाख का चेक है, छोटा सा अमाउंट है,
बस यही दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए और मरहूम मुनीर साहब की मग़फ़िरत फरमाए। शुक्रिया। देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूँ रियाज़ अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के इतिहास शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और औरंगाबाद में शाही मस्जिद जो औरंगज़ेब की तामीर करता है उसके बगल में है, उसके बाजू में बैतुल यतीम एक मदरसा चलाया जाता है। वैसे तो यहाँ पर आपने देखा होगा कई बार कई तरह के पत्रकार परिषद होती हैं, कई तरह के कल्चर प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ये आज पत्रकार परिषद हम समझते हैं कि एक ऐसी इंसानियत वाली पत्रकार परिषद थी, वरना पत्रकार परिषद में तो हथकंडे होते हैं, दावे होते हैं, इस्लामात होती हैं, मुफाद परस्ती की बातें होती हैं, लेकिन ये देखिए ये वो बैनर है और बैनर में एक मजलिस नाम आ रहा है। अब देखिए इसके बाद भी कहने के कुछ ना कुछ शुरू होगा क्योंकि मजलिस बोले तो एक हंगामा ऐसा हमारे औरंगाबाद का एक मिजाज बना हुआ है। तो खैर मैं उस विषय पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि देखिए ये वो चेहरे हैं जो भले ही सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन उन्होंने अपनी पत्रकार परिषद में कहा है कि हम सियासत से हटके काम करते हैं। तो सवाल ये है कि खाली औरंगाबाद में इतने चेहरे हैं, आप भी कोई एक नया चेहरा बनाइए, एक नया ग्रुप बनाइए और इंसानियत को बढ़ावा दीजिए। आज उन्होंने 1.5 लाख दिया है, क्या ही बेहतर हो कि 2 दिन के बाद हम पर एक और पत्रकार परिषद हो, उन्होंने कहा कि हम 3 लाख देते हैं, तो बहुत बड़ी बात होगी इंसानियत की। तो हम समझते हैं कि इसको मजबूत और पॉजिटिव लेना चाहिए और जो देने वाले हजरात हैं जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो अपने आप से सवाल करें, जब ये चेहरे दे सकते हैं, ये जब चेहरे कोशिश कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? हम कब तक तमाशा देखेंगे, हम कब तक रोएंगे, हम कब तक कोसेंगे? आज इनकलाब की ज़रूरत है, हमें संविधान अधिकार दिया है, आप अपने आप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए और बाहमी इत्तेहाद के साथ और ख़ासकर ऐसे मौजूदात पर आपसे खुदा रिक्वेस्ट है कि कोई राजनीति मत करो, बाल के फ़ोन करके बोलिए कि साहब जजाकल्ला आपसे अपने सीखने का मौका मिला, हम भी आगे आते हैं और आप भी जुड़ने की कोशिश कीजिए, और कोई अनापरस्ती है तो अपना ग्रुप बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद करते हैं कि मेरे कहने का एक ही मकसद है, इंसानियत इंसानियत और इंसानियत, इसी पैगाम को आप कीजिए और देखते रहिए SDM न्यूज़ चैनल।